स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन को डिस्कस करते हुए प्रोडक्ट एस्टिमेटर को स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रोडक्ट एस्टिमेटर को देखा, हमें पता है कि ये हम अप्लाई करते हैं जब लीनियर रिलेशनशिप हो, इनवर्स हो, स्ट्रांग हो। हम लोगों ने बायस ड्राइव किया और अब हम मीन स्क्वायर एरर प्रोडक्ट एस्टिमेटर का ड्राइव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हम उन्हीं लाइन्स पर ड्राइव कर रहे हैं जिन लाइन्स पर अभी हमने बायस को ड्राइव किया है, यानी उन्हीं नोटेशन को यूज करते हुए। स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट एस्टिमेटर है, दैट इज स्मॉल वाई बार इंटू स्मॉल एक्स बार ओवर कैपिटल एक्स बार। ये वो नोटेशंस हैं जो हम इसके बायस के लिए ड्राइव कर चुके हैं और अब हम इसके मीन स्क्वायर एरर के लिए भी इसको यूज करेंगे। यहां पर मैं मेंशन करता चलूं कि हमने मीन स्क्वायर एरर रेशियो एस्टिमेटर का जो फाइंड किया था वो इस तरह से फाइंड नहीं किया था, उसे भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेशन को हम इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, जिससे हम इसका अप्रोक्सीमेट मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन द नोटेशंस आर सेम। ई नॉट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एरर फॉर द वेरिएबल वाई एंड ई वन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एरर फॉर द वेरिएबल एक्स। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई नॉट स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वन स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ई नॉट ई वन is given by. So for the students, we are utilizing these notations into the estimator. This is the estimator, small y bar. Small y bar will become capital y bar 1 plus e naught by using the notations, and small x bar will be replaced by capital x bar 1 plus e1. And then we'll of course cancel out these two terms, capital x bar, and will remain with capital y bar into 1 plus e naught into 1 plus e1. स्टूडेंट्स, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे। हमने बायस को करते हुए भी इन्हीं लाइंस पर यहां पर y बार को मल्टीप्लाई किया था और हमारे पास कुछ इस तरह से वहां पर भी जो टर्म्स बची थी, कैपिटल y बार प्लस कैपिटल y बार इंटू रेस्ट ऑफ द टर्म्स e naught प्लस ई वन प्लस ई नॉड ई वन। यहां से इक्वेशन के दोनों साइड्स पर कैपिटल वाई बार से को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास इस साइड पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पर कैपिटल वाई बार स्मॉल वाई बार पी माइनस कैपिटल वाई बार आ जाएगा। यहां तक की टर्म्स बिल्कुल वही टर्म्स हैं जो आपने बायस में बनाई थी, इफ यू रिमेंबर। तो इसके बाद आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की थी और बायस को ड्राइव कर लिया था। स्टूडेंट्स, बायस ड्राइव करते हुए हमने यहीं पर एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है, लेकिन मीन स्क्वायर एरर ड्राइव करते हुए हमने यहां पर स्क्वायर करके एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है। जब इसका स्क्वायर करके आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो दैट वुड बी लाइक दिस। ऑलराइट, सो बायस के लिए सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ली थी, स्क्वायर नहीं किया था, और मीन स्क्वायर एरर के लिए हम स्क्वायर करके एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, लाइक दैट। सो फर्दर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कैपिटल वाई बार स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यूज लेकर हमने उसका स्क्वायर कर लिया, तो अब आप नोटिस करें कि हमें स्क्वायर ओपन करना है। जब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर, ई वन स्क्वायर, लेकिन ये जो टर्म है, जो इस टर्म का जब स्क्वायर होगा या मल्टीप्लीकेशन होगी तो इसकी इसका ऑर्डर थ्री से ज्यादा, टू से ज्यादा हो जाएगा। अभी ऑर्डर टू की है तो इसका ऑर्डर टू से ज्यादा हो जाएगा। आपने वो सारी टर्म्स इग्नोर करनी है जिसमें पावर टू से ज्यादा बन रही होगी स्क्वायर लेने के बाद। सो हम इसे यहीं पर इग्नोर कर रहे हैं स्क्वायर लेने से पहले, यानी आप स्क्वायर लेने से पहले उन टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं जो स्क्वायर में हो या जो प्रोडक्ट में हो, इस तरह से। So, आपके पास ये टर्म आएगी। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाएंगी, यानी स्क्वायर से बड़ी टर्म्स आपके पास जो है पावर में, जो पावर टू है उससे ग्रेटर टर्म्स आपके पास नहीं होनी चाहिए। ऐसी टर्म्स हम इग्नोर कर रहे हैं जिनकी पावर टू से ग्रेटर होगी। सो आप इसका स्क्वायर कर लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर, ई वन स्क्वायर एंड e naught e1।
सो एक्सपेक्टेड वैल्यू आप अप्लाई कर दें, यहां पर आपको पता है कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो नोटेशंस आपके पास अवेलेबल हैं, सो नोटेशंस पुट करने के बाद आपके पास ये मीन स्क्वायर एरर आएगा प्रोडक्ट एस्टिमेटर का। यहां पर लैम्डा को कॉमन ले लिया है और लैम्डा सी वाई स्क्वायर, लैम्डा सी एक्स स्क्वायर, रो सी वाई सी एक्स पुट कर दिया, लैम्डा को कॉमन लिया तो प्रोडक्ट एस्टिमेटर का मीन स्क्वायर एरर ये आ गया। स्टूडेंट्स, जो रेशियो एस्टिमेटर का मीन स्क्वायर एरर था वो आपने ये स्टडी किया हुआ है। आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक साइन का है। ये साइन यहां पर प्लस है और यहां पर ये साइन नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, जिस तरह एस्टिमेटर में डिफरेंस रेशियो और प्रोडक्ट का है, इनके मीन स्क्वायर एरर में भी सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है। एक और चीज आप नोटिस करें कि यहां पर इस हिस्से में जब आप प्रोडक्ट एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं तो कोरिलेशन इनवर्स यानी नेगेटिव होती है। जब कोरिलेशन इनवर्स या नेगेटिव होती है तो उससे मुराद यह है कि यह कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी नेगेटिव आएगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब यहां पर नेगेटिव पुट किया जाएगा तो अल्टीमेटली दिस विल साइन विल बिकम नेगेटिव, यानी यह पूरी की पूरी टर्म आखिर में जाकर जब कोरिलेशन की नेगेटिव वैल्यू पुट होनी है तो सब्ट्रैक्ट होनी है। सी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड माइनस सम टर्म, जब ये माइनस होगी तो मीन स्क्वायर एरर में रिडक्शन आएगी और वो रिडक्शन उतनी लार्जर होगी जितनी लार्जर ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी। अगर ये जीरो के करीब जा रहा होगा तो ये टर्म छोटी होती चली जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जीरो से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो जीरो के क्लोज जाती जाएगी, अगर जीरो है एग्जैक्ट तो जीरो हो जाएगी। और जो जो ये टर्म कोरिलेशन कोएफिशिएंट की लार्जर होती चली जाएगी, वन के क्लोज होती चली जाएगी, उतना ही बड़ा आंसर आएगा इस पूरी टर्म का और उतनी ही लार्जर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी जिससे मीन स्क्वायर एरर में रिडक्शन आएगी। इन्हीं लाइंस पर अगर आप इसे नोटिस करें जो कि मीन स्क्वायर एरर है रेशियो एस्टिमेटर का, यहां पर नेगेटिव साइन है, यहां पर ये इस्तेमाल होता है, ये यूज होता है जब कोरिलेशन पॉजिटिव हो, यानी हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यानी साइन माइनस का ही रहना है, ये चेंज नहीं होना। अब अगेन ये टर्म यहां पर भी सब्ट्रैक्ट ही हो रही है। जितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी होगी उतनी बड़ी टर्म बनेगी और अल्टीमेटली उतनी ज्यादा रिडक्शन आएगी मीन स्क्वायर एरर में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी आर टेकिंग द बेनिफिट from the correlation, from the strong correlation between the study and auxiliary variable. So students, ये हम लोगों ने जो study किया है ये product method of estimation से या product estimator का हमने mean square error find out किया है।